नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो है परिकल्पना, जो शोध का एक ऐसा पोर्शन है जो उसका संभावित उत्तर बताता है। परिकल्पना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोथीसिस। हमने इसके पहले वीडियोस में ये अध्ययन किया कि परिकल्पना क्या होती है। तो परिकल्पना के संदर्भ में अगर बात करें तो परिकल्पना, कल्पना क्या होती है? ऐसा एक विचारधारा होती है जो हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। शोध की परिकल्पना क्या होती है? उसका प्रस्तावित उत्तर, यह एक ऐसा भविष्य कथन होता है जो तात्कालिक शोध की जो समस्या होती है उसका एक संभावित उत्तर होता है, जनरल वर्ड में अगर हम बात करें। क्योंकि बहुत सारी डिफिनेशन आपको मिल जाएंगी बुक में, उसको हमें बहुत ज़्यादा उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। जनरली हम बोले कि जो शोध समस्या है उसका संभावित उत्तर क्या होगा, उसे क्या कहेंगे? परिकल्पना। एक कल्पना है कि इसका ये निष्कर्ष या ये रिजल्ट मिल सकता है। हम परिकल्पनाएं कैसे बनाते हैं, इसका अगर हम अध्ययन करें तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे संभावित, संबंधित, साहित्य का अध्ययन। पहला इसका फैक्टर है कि हम परिकल्पनाओं का निर्माण कैसे करते हैं। हम प्रीवियस में जो आपके रिसर्चेज हुई हैं उनका हम अध्ययन करते हैं कि वास्तव में उनकी परिकल्पनाएँ किस प्रकार की थी, उनके रिजल्ट किस प्रकार थे, और हम उस पे निर्धारित, उसके अजम्पशन पे निर्धारित करके अपने जो प्रश्न हैं, जो हमारे शोध का जो समस्या है उसका हम उत्तर ढूंढते हैं। दूसरा आपका जो मुख्य फैक्टर है वो हमारा क्या होता है? पूर्वा ग्रह। जैसे हम अगर ये मानते हैं कि लड़के और लड़कियों के आईक्यू में डिफरेंस होता है, तो अगर हम अध्ययन करने चलेंगे कि इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आईक्यू का, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि इनके में अंतर होता है तो हम अपनी परिकल्पना में संभावित उत्तर लिख सकते हैं कि हाँ, कि लड़की की जो आईक्यू है लड़कों से ज़्यादा, या लड़के की जो आईक्यू है लड़कियों से ज़्यादा होती है। अगला जो आपका एक टर्म है, बहुत सारे टर्म हैं इसमें, लेकिन हम बस जनरली देखेंगे कि हम परिकल्पना का निर्माण कैसे करते हैं। तो अगला जो आपका टर्म है इसमें, हम कोई अनुभव होता है हमारा, उसके आधार पे भी क्या करते हैं, हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि हाँ, ये हमें ये एक्सपीरियंस हुआ, हमने ये फील किया, ये हमारे इमोशंस हैं, हमें लगता है कि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये आंसर हो सकता है, तो उसको भी हम परिकल्पना रूप में लेते हैं। अन्य भी हैं, कोई सजेशन आपने लिया, आपने कोई विचारधारा कहीं से ली, किसी के विचारों का अध्ययन किया, और बहुत सारे से सोर्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अगर बात करें कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः परिकल्पना को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं। पहला आपका है दिशा परक, डायरेक्शनल, दिशा विहीन, नॉन डायरेक्शनल, और शून्य, नल हाइपोथेसिस। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस। कौन कौन सी? दिशा परक, दिशा विहीन और शून्य। तीनों के बारे में अगर हम देखें तो तीनों में मेजर डिफरेंस। हम कभी अक्सर जैसे रिसर्च करते हैं तो हम किसी चीज़ का प्रभाव देखना चाहते हैं, या किसी चीज़ में अंतर देखना चाहते हैं, या किसी चीज़ को जांचना चाहते हैं, या नवीन ज्ञान क्या करना चाहते हैं, तो हम नवीन ज्ञान वहाँ पर सृजित करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं आपकी क्वालिटेटिव जिसमें परिकल्पनाएं भी नहीं बनती, ऐसे भी रिसर्चेस होते हैं जिसमें परिकल्पनाओं की आवश्यकता नहीं होती। कोई किसी के थॉट पे आप अध्ययन कर रहे हैं, या कोई ऐसा टर्म है जिसमें आपके आंकड़े नहीं मिल रहे हैं, गुणात्मक शोध है उसमें आप को लगता है कि हाँ इसमें परिकल्पना नहीं बन सकती, तो उसमें परिकल्पना नहीं बनती। लेकिन जिसमें जिस शोध में परिकल्पनाएं बनती हैं वो आपका इस प्रकार होता है कि हम तीन प्रकार से उसके उत्तर खोज सकते हैं। दिशा परक अर्थात कोई ना कोई डायरेक्शन आपका होगा, तो यहाँ डायरेक्शन आपका पॉजिटिव और निगेटिव, दो डायरेक्शन होगा। अगर स्वतंत्र चर, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, हेर फेर करते हैं, उसको स्वतंत्र चर कहते हैं, और जिसमें जिस पर हम प्रभाव देखते हैं उसको डिपेंडेंट अर्थात
परतंत्र या आश्रित चर कहते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट है तो जो हाइपोथेसिस बनेगी वो पॉजिटिव डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनेगी, धनात्मक आपकी परिकल्पना, धनात्मक दिशापरक परिकल्पना। अगर हमने देखा कि इंडिपेंडेंट को मैनिपुलेट करें तो डिपेंडेंट या आश्रित पे निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा तो हमारी कौन सी परिकल्पना बनती है? ऋणात्मक दिशापरक हाइपोथेसिस या ऋणात्मक दिशापरक परिकल्पना बनती है, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन दें पॉजिटिव है कि निगेटिव। लेकिन हम कहें कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे प्रभाव पड़ता है, ये ना बताएं कि कैसा प्रभाव पड़ता है, तो वो जो आपका जो हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा? वो आपका नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाएगा, जिसमें हम ये बता तो देते हैं कि प्रभाव पड़ेगा लेकिन कैसा, पॉजिटिव है निगेटिव है, मतलब सकारात्मक है कि नकारात्मक है। इसके अलावा हम जब सेफ जोन में रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा परिकल्पना आपकी यूज़ होती है सबसे ज़्यादा रिसर्चर्स में सेफ जोन में रहने के लिए, वो होती हैं नल हाइपोथेसिस अर्थात शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना वह परिकल्पना है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो आपका प्रभाव देख रहे हैं इसके बीच कोई सार्थक अंतर न दिखाए, अर्थात दोनों क्या है, स्वतंत्र है, उसका उस पर कोई, उसको डिपेंडेंट को मैनिपुलेट करने पर कोई प्रभाव न पड़े। यहाँ पे जब भी हम देखेंगे तो दो आपके डाटा रहेंगे या दो वेरिएबल्स रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड डाटा में कोई सार्थक अंतर नहीं दिखेगा या फर्स्ट के मीन मध्यमान और सेकंड के मध्यमान में कोई सार्थक अंतर नहीं दिखेगा। जहाँ भी सार्थक अंतर ना दिखे, ठीक है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस आपको ना दिखे, उस हाइपोथेसिस को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस के बाद हमने करी, अच्छा अगर बात करें कि इसका आपका जो प्रोसेस है वो क्या होता है, तो एक पूछता है अक्सर ये प्रश्न कि सांख्यिकीय परिकल्पना क्या है, अक्सर ये टर्म आपका यूज़ करता है, कौन सा? सांख्यिकीय परि कल्पना। देखिए जब हम सिर्फ दो भागों में बांटेंगे परिकल्पना को तो एक आपकी हो जाएगी अनुसंधान परिकल्पना, दूसरी क्या होगी? सांख्यिकीय परिकल्पना। सांख्यिकीय परिकल्पना में आपके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है शून्य और एक क्या होता है? अल्टरनेट, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब हम क्या, हमने क्या बताया अभी कि जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें जो सिग्निफिकेंस जो डिफरेंस होता है वो नहीं होता, मतलब कोई भी सार्थक अंतर नहीं दिखता। जहाँ भी आपको कोई भी सार्थक अंतर ना दिखे तो आप पहचान जाएगा कि हमने सेफ जोन में रहने के लिए नल हाइपोथेसिस को एज अ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया। अब हम जानते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। जब नल हाइपोथेसिस की बात करें या शून्य परिकल्पना, अर्थात जब दोनों वेरिएबल्स में कोई सार्थक अंतर ना हो, उनके मानों में कोई ना हो या उनके मध्यमानों में या मीन मीडियम मोड जो भी है देखते हैं उसमें कोई सार्थक अंतर ना हो, तो हम मान लेते हैं कि ये हाइपोथेसिस नल। ज़रूरी नहीं है कि नल हो, अक्सर हम क्या करते हैं कि सेफ जोन में रहने के लिए हम शून्य ले तो लेते हैं लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ें रहती कि नहीं ये चीज़ होता है, या वास्तव में जो हमें आउटकम मिलते हैं कि हमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस दिखता है। जैसे मान लीजिए हमने टी टेस्ट किया और 0.5 लेवल पे या 0.1 लेवल पे या आपका देखते हैं 0.01 लेवल पे हमें कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं दिखा, तो हम क्या करते हैं कि शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट कर लेते कि वास्तव में कोई डिफरेंस नहीं है। 0.01 पे अगर आपका मिल गया, ये सबसे हाई लेवल का आपका जो टेस्टिंग का टूल होता है कि हम देखते हैं कि 0.01 लेवल पे अगर कोई चीज़ कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिखाता तो हम मान लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस आपकी सही है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंस डिफरेंस दिखाता है कि हाँ उनके अंदर सार्थक अंतर है तो हम ये मान लेते हैं कि ये परिकल्पना आपकी निस्तर हो गई, अर्थात शून्य परिकल्पना आपका वास्तविक उत्तर नहीं है। तब हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट
हाइपोथेसिस क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ये हम एज अ रिजल्ट लेंगे। जैसे हमने क्या किया कि लड़के और लड़कियों की आईक्यू में कोई सार्थक अंतर नहीं, और रिजल्ट हमारा क्या मिला कि लड़कियों की आईक्यू, क्योंकि लड़की हूँ पक्षपात तो करूँगी, लड़कियों की आईक्यू लड़कों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो लड़कों की आईक्यू आपने कम देखी, जबकि यहाँ नल हाइपोथेसिस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको दिखा होगा, तो आपका जो रिजल्ट हुआ होगा कि जो लड़कियों की आईक्यू की मीन होगी वो लड़कों से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपने ये रिजल्ट निकाला क्या कि लड़कियों की आईक्यू क्या है, ज़्यादा। रिजल्ट आपका ये आया और हाइपोथेसिस ये बनाई थी। तो क्या करेंगे, हाइपोथेसिस आपकी ये निस्तर हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस, और एक अल्टरनेट आपकी हाइपोथेसिस बनेगी। अगर नल हाइपोथेसिस के सूत्र की बात करें तो एस ज़ीरो म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिखा, या म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, ये इसका फॉर्मूला हो। लेकिन जब हम इसको निस्तर कर देते हैं कि नहीं हमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस दिखता है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम ये करते हैं कि म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू, ये आपकी क्या होती है, एच वन, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहाँ पे जब भी हम डिस्कस करते हैं हाइपोथेसिस के बारे में, तो हमें ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये हाइपोथेसिस ही है जो शोध समस्या का उत्तर बताएगी, अर्थात सब जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी हाइपोथेसिस पे। तो हाइपोथेसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ रिसर्च। यहाँ पे अगर बात की जाए तो हाइपोथेसिस वह टर्म है जो ये बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें डायरेक्शन बताता है, जो चर हैं उनके बीच के संबंध बताता है, हमें ये बताता है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, सही आउटकम मिल रहा है कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे कि जो हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस होती है उसमें अक्सर पूछता है टाइप वन एरर और टाइप टू एरर अक्सर पूछता है। इसको कहते हैं अल्फा एरर और इसको क्या कहते हैं, बीटा एरर। ये क्या होता है, ये टर्म तभी यूज होता है जब हम यूज करते हैं नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। नल हाइपोथेसिस जब भी हम यूज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम लेवल देखते हैं कि किस लेवल पे सही है, तो देखते हैं 0.01 पे, 0.5 पे, या 0.1 पे देख रहे हैं, और 0.0 मान लीजिए ये डिफरेंस है, तो ये आपका जो है 90 और 99 वाला डिफरेंस दिखेगा। तो 0.1 पे हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया कि इसके बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है, पता चले 0.01 पे इस पे सार्थक अंतर हो, तो ऐसी त्रुटियां हमें हमारे सामने आ जाती हैं कि हम पहले ही कमी लेवल पे देख लेते कि नहीं 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 है इसमें, छोड़ दो, या देखते कि हाँ हाँ है, हम आगे के लेवल पर चेक नहीं करते, तो कुछ त्रुटियां हो जाती हैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने में। तो हमें कैसे याद करना है कि टाइप वन एरर क्या है, जब हमारा नल हाइपोथेसिस सही हो और हम उसको अमान्य कर दें तो हमारे रिसर्च में जो एरर आता है, जो परिकल्पना का, वो टाइप वन या अल्फा एरर आता है। और अगर नल हाइपोथेसिस गलत हो, अर्थात कोई सार्थक अंतर है लेकिन हमें मिला कि क्या, हमने क्या फाइंड किया कि ये सही है और वास्तव में क्या है, ये गलत है, तो क्या होगा, तो जो आपका एरर होगा वो टाइप टू एरर कहलाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं, जैसे पूछा जाए कि परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, तो पिन पॉइंटेड होनी चाहिए, वास्तविक रिजल्ट दिखाए, व्यवहारिक हो, उसको टेस्ट कर सके, टेस्टेबल हो, आपकी वस्तुनिष्ठता उसमें हो, जो आपके मान्यताएं हैं, किसी चीज़ का विरोध ना करे, कोई भ्रांति ना हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इस तरह से हाइपोथेसिस का हमने आज इंट्रोडक्शन देखा कि वास्तव में हाइपोथेसिस की भूमिका क्या है। जनरली आपको जो भी पॉइंट्स इसमें नहीं समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में उसको फिर से डालिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर फिर से वीडियो बनाऊंगी पर्टिकुलर एक एक टॉपिक पे। लेकिन क्या है कि यहाँ टाइम कम है, आपको रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा पोर्शन है, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप यहाँ से अध्ययन करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, कहीं पढ़िए, आप मुझसे बुद्धिमान हैं, आप कहीं से पढ़िए, मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है आपके साथ, लेकिन हाँ मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी वजह से मुझे यहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, और मैं सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ खड़ी हूँ, तो आप सम्मान करिए ना करिए, आप पढ़िए ना पढ़िए, आप
स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे उन स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर मेरे पास ए का ज्ञान है तो मैं आपको ए का ज्ञान देने की क्षमता रखती हूँ, आप बस अपनी कमियों को मुझ तक पहुँचाइए कि यहाँ पे मैं कमज़ोर या ये पॉइंट है, मैं उस पॉइंट को पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को क्लियर करने का पूरा पूरा प्रयास करूँगी। इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारी में लगे रहिए।